एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो यहाँ पे ना मैं कपड़े डाल रही हूँ छत में सुखाने के लिए। फटाफट से कपड़े डाल दूंगी और मॉर्निंग का यानी कि शुक्रवार के दिन का ब्लॉग है। सारे कपड़े वगैरह धुल चुके हैं क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जो लोग मेरे डेली व्यूअर हैं उनको पता है कि मैं मॉर्निंग में ही कपड़े सुखाने के लिए डाल देती हूँ। मतलब कि मॉर्निंग में पहले झाड़ू पोछा कपड़ा सारा कुछ करने के बाद ही नहाती हूँ मैं, क्योंकि ठीक रहता है। सुबह से सारा कुछ हो जाता है तो फिर दिन भर ना फ्री हो जाते हैं, फिर सिर्फ खाना और किचन का काम रह जाता है, बाकी का तो काम निपट ही जाता है और एक टेंशन फ्री भी हो जाती हूँ। सर्दियों में तो ठीक भी रहता है, गर्मियों में भी ठीक रहता है, इसलिए मैं मॉर्निंग ही कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस मैं यहाँ पे चाय बना रही थी, चाय भी बन चुकी है और अभी मैं इसको छान लूँगी। चाय तो मेरी बन चुकी है, बस मुझे करना है चाय पीनी है। चाय पीने के बाद इतने जो थोड़े से बर्तन हुए ना, होते हैं ना चाय के बर्तन होते हैं, कहीं कुछ होता है तो बस मुझे वो साफ करने है। छन्नी आनी है, छन्नी वहाँ पर चाय की। और आज है शुक्रवार तो हो सकता है ब्लॉग थोड़ा सा लेट जा रहे हैं, क्योंकि बीच में मैंने अपनी ननद का प्री वेडिंग का वीडियो डाल दिया ना, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया ब्लॉग, बट कोई नहीं। सो अभी मैं आज का शुक्रवार का ब्लॉग हो सकता है सोमवार में जाए, मंगलवार पता नहीं कब जाएगा, बट जब भी जाएगा सो देख लीजिएगा आप लोग। और चाय के लिए मैं पहले छन्नी लेके आती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। सो यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी है, आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए। मैं फटाफट से दो कप मैं छान लूँगी क्योंकि अदिति पीती नहीं है, भैया बस पीता है शाम के टाइम में। सो भैया के लिए और अपने लिए चाय बना ली है, बस मैं थोड़ी सी ही पीती हूँ, आधा कप चाय पीती हूँ, मॉर्निंग में आधा कप और शाम को आधा कप। पहले तो वो भी नहीं पीती थी लेकिन अब भी मैं पीने लगी हूँ क्योंकि थोड़ी हल्की सर्दी होने लगी ना, इसलिए। तो आ जाइए आप भी पी लीजिए चाय को और बस गर्म गर्म चाय का आनंद लेते हैं। यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी है, आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए। और चलिए मैं भी पी लेती हूँ फटाफट से, फिर पूजा की तैयारी लगानी है मुझे। बर्तन मैं बाद में धोऊंगी, पूजा वगैरह कर लेने के बाद ही बर्तन धोऊंगी, वरना फिर वो करना पड़ेगा, तो मैं बाद में बर्तन करूँगी, पहले पूजा कर लूँगी फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी, फिर देखेंगे बर्तन का, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं है, थोड़े ही हैं, तो उनको बाद में देखूँगी। क्योंकि मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ चाय पी के पूजा करने के लिए, आप देख ही सकते हैं मैंने कंघी वगैरह कर लिया, रेडी हो चुकी हूँ। तो चलो मैं पहले चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो पूजा हो जाने के बाद ना मैं पूड़ियाँ तलने लगी थी, मतलब कि मैंने आज पूजा आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, क्योंकि हर बार क्या शेयर करना। यहाँ पे मेरी आलू टमाटर की सब्ज़ी लगभग तैयार हो चुकी है और एक टाइम में सारा खाना खा लेते हैं हम लोग। मतलब कि यहाँ पे बहुत लक्ष्मी की व्रत में बना प्याज लहसुन का एक टाइम सारा खाना खा सकते हैं, सोच पूरी सब्ज़ी ही बना लेती हूँ मैं, क्योंकि दो दो बार क्या खाना बनाऊँ, एक बार खुद के लिए एक बार बच्चों के लिए, तो इसलिए मैं एक बार में ही सारा कुछ बना लेती हूँ। पूरी सब्ज़ी तो सभी लोगों के लिए हो जाती है, यहाँ पर बस गर्म गर्म पूड़ियाँ बन जाएंगी, तो मैं पहले भैया को दे दूंगी, अदिति को दे दूंगी, उसके बाद में फिर मैं खा लूंगी। और इनके लिए ना सेक के रख दूंगी या फिर नहीं रखूंगी सेक के, ऐसे ही रख दूंगी, तो वो आ जाएंगे जब उनको दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरियाँ बेल के रख ली थी, फिर इस तरीके से छत तलते बस जा रही हूँ मैं और तल के निकाल के रख दूंगी मैं। और मुझे ना मतलब एकदम से जो थोड़ी सी कड़कड़ी पूड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे भैया भी सोया हुआ था, तो ब्लैंकेट मैंने रखी नहीं है, मतलब वो लेट जाता है आके, क्योंकि उसके पैर बहुत ज़्यादा ठंडे पड़ रहे हैं, तो बस यहाँ पे लेटा हुआ, अभी थोड़ी सी धूप में चला गया, मन का धूप में बैठ लो थोड़ा, तो इसको मैंने अलग नहीं किया है, फिर आके वो फैला देता है। आज है अक्षय नवमी, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ पूजा करने के लिए, आंटी के घर में कर लेंगे पूजा। तो आप लोगों को भी ले चलेंगे कि कैसे पूजा करते हैं। वहाँ देखो भैया लोगों ने किस तरीके से पूरा मतलब कलर कर दिया है दीवार में। सो आप लोगों को भी ले चलेंगे, हैप्पी अक्षय नवमी आप लोगों को, बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि इस दिन ना कहते हैं इस दिन आंवला के नीचे खाना खाने से पूजा करने से सारे पाप धुल जाते हैं, जो कि हम लोग करते हैं, सो इसलिए सभी लोग करते हैं, आज के दिन दान भी करना चाहिए। सो चलो पहले मैं फटाफट से थाली में लगा लेती हूँ, फिर आप लोग के साथ शेयर करती हूँ क्या क्या ले जा रही हूँ वहाँ पर पूजा में, और खाना भी वहाँ पर बनाऊँगी, मतलब खाएंगे हम लोग, बनाऊंगे क्या बन तो चुका है, और बस चल फिर चलते हैं। सो यहाँ पे ना मैंने पूजा के लिए थाली लगा के रख ली है, तो आप लोग देख सकते हैं इतना ही चाहिए होता है पूजा में, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, नौ बातियाँ चाहिए होती हैं,
खिचड़ी चाहिए होती है, जब आके जो है परिक्रमा लगाए जाते हैं, और 9 जो अठवाई होती हैं वो चाहिए होती हैं। सो इतना ही ले लिया है मैंने, 10 रुपये दान करने के लिए ले लिए हैं। तो यहाँ पे जल चढ़ा दूँगी। जल चढ़ा देने के बाद मैंने कलश अष्टदल कमल भी बना लिया है, कलश की स्थापना कर ली है। बस यहाँ पे जैसे आंटी पूजा कर रही हैं बस मैं भी वैसे ही करती चली जा रही हूँ, क्योंकि हम लोगों के वहाँ पर ना कलश नहीं रखा जाता, बस ऐसे ही पूजा की जाती है। 108 जो है बिंदी रखी जाती है। तो यहाँ पे मैंने जवे रख दिए हैं और चावल वो रख दूँगी, खिचड़ी रख दूँगी। यहाँ पे धागा लपेट देंगे, 9 बार ना धागा लपेटा जाता है। तो धूप हो गई है और बहुत टाइम हो गया था, मतलब व्रत रह जाता है उस दिन। कहते हैं कि पूजा करने के बाद ही खाना खाया जाता है, आंवले के पेड़ के नीचे खाना खाने से ना सारे पाप कट जाते हैं। सो बस यहाँ पे मैंने धागा लपेट दिया है। थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि लंबा हो रहा था ना इसलिए। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बस मैं इसको वो कर दूँगी, मतलब रख दूँगी इसके ऊपर, दिए के ऊपर मैंने खिचड़ी रख दी है और वो कर दिया है। और मैंने साड़ी नहीं पहनी थी क्योंकि कहीं बाहर गए होते तो तैयार हो जाते। फिर आंटी बोली इसके ऊपर ना आम के पत्ते रख दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है रख देते। तो यहाँ पे ना आंटी के वहाँ पे बगिया टाइप की लगी है, मतलब थोड़े पेड़ लगे हुए हैं सो अच्छे लगते हैं। बस यहाँ पे 5 पत्ते लगा दूँगी आम के, और बस जैसे कि पूजा वगैरह की जाती है, पूजा ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता है आंवला नवमी में, बस आंवला के नीचे खाया जाता है और दान किया जाता है, तो सारे पाप कट जाते और भेंट लिया जाता है आंवला को। तो ये मेरी देवरानी है, इनको भी आप जाने लगे हैं। फिर मैं मिल रही हूँ आपको सीधा शाम को। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही थी, यानी कि शाम की जो दिया बाती की जाती है वो कर रही थी मैं। सो एक दिया मैं यहाँ पर रख देती हूँ अपने भगवान जी के पास में, एक दिया मैं बाहर रख देती हूँ। तो कभी तेल का रख देती हूँ, कभी घी का रख देती हूँ। फिलहाल मेरे पास सरसों का तेल नहीं था तो मैंने इसी का रख दिया है, घी का रख देती हूँ। अगर सरसों का ऑयल होता है मेरे पास में तो फिर मैं उसको रख देती हूँ। सो यहाँ पे बस मेरी पूजा हो गई। तो फैमिली अभी ना मेरा खाना बन चुका है, आप लोगों ने देखा ये 2-3 पूरियाँ रह गई हैं जिनको मैं तल दूँगी और फटाफट से थोड़े से पापड़ तल लूँगी। कल से ब्लॉग चालू है तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ में बात कर लेती हूँ थोड़ा सा, और वीडियो को एंड कर देती हूँ। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे ना तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। और वीडियो फुल नहीं तो कम से कम 2 मिनट का भी वॉच किया कीजिए। इतनी बार आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ इतनी बार कि जितना आप लोगों से बोलती हूँ ना इतना, तो अगर मैं भगवान से भी बोलती तो बोल आप ही 2 मिनट मेरा वीडियो देख लेते। सो फ़ोन बहुत ही हिल गया है क्योंकि ना मैं वहाँ पे कढ़ाई में से पूरी निकालने लगी थी और फिर वो गिर गई थी, तो उसका तेल नीचे गिर रहा था इसलिए मैंने उसको साफ़ कर दिया। और जैसे मैं बोल रही थी जितना मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि 2 मिनट का वीडियो देख लिया कीजिए, उतना तो मैं भगवान से बोलती ना तो वो भी मान जाते। और आज था अक्षय नवमी का व्रत, तो पूजा वगैरह हो गई है, फिर खाना वगैरह भी हो चुका है हम लोगों का। और किस किस के यहाँ अक्षय नवमी का पूजा होती है बताइएगा मुझे कॉमेंट करके। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।